उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के शिक्षकों का बिगनर्स कोर्स और भारत स्काउट गाइड नॉर्मल स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रहे, जिसके संबंध में भारत स्काउट गाइड के सहायक सचिव ज्ञानेंद्र ओझा ने बताया कि बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को भारत स्काउट गाइड के संस्था के नियमों और कार्यों के बारे में बताया गया है, जिससे शिक्षक विद्यालयों में जाकर बच्चों को स्काउट गाइड के नियमों के बारे में बताएं, ताकि हम देश में अच्छे नागरिक तैयार कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत स्काउट गाइड के सहायक सचिव ज्ञानेंद्र ओझा, गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के सहायक प्रदेशीय संगठन नौशाद अली सिद्दीकी, जिला बेसिक शिक्षा परिषद की जिला गाइड कैप्टन प्रतिमा शुक्ला और जिला स्काउट मास्टर जयप्रकाश मदेशिया ने कहा। और आपने अच्छे यूनिट लीडर के रूप में बच्चों को, मैंने कुछ दिन पहले अभी हमारी एक बी एस सी कैट प्रतियोगिता पुलिस स्तर पर आयोजित हुई थी, उसी समय मैं आपके साथ मुलाकात की। ऐसे जानकार, ऐसे योग्य अगर शिक्षा अधिकारी आपको मिल जाए तो निश्चय ही आपका भविष्य उज्ज्वल होने के साथ साथ जो संकल्पना सजोए हैं समाज में, मैं उसको थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। जब 1907 ईस्वी में इस पोर्टल की शुरुआत हुई तो बेडन पावेल जी से हमारे भारतीय महापुरुष पंडित श्रीराम वाजपेयी, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर एनी बेसेंट जैसे महापुरुष प्रदेश के विभिन्न प्रदेश, देश के विभिन्न प्रदेशों में, और जब स्काउटिंग की टीम नहीं करके सब लोगों ने मिल करके एक समारोह का आयोजन किया, एक विशाल रैली का आयोजन किया, और उस रैली में लोहा मिलना बहुत मुश्किल था। आज हम फ्लैग पोल जो बना रहे होते लोहे के पाइप को बना रहे हैं, पहले समय में बांस का पाइप हुआ करता था। बांस की एक क्वालिटी है कि नीचे से बोर्ड 22 फुट की होनी चाहिए, तो अब आप अनुमान लगाएं कि 22 फुट पर हमारा बांस का पाइप होगा कितना पतला हो चुका होगा। फ्लैग पोल तैयार था, झंडा डोरी से बंधा हुआ था, सारा अरेंजमेंट हो गया। जब बेटन पावेल जी से कहा गया, मैं निवेदन करता हूँ मुख्य अतिथि महोदय से कि ध्वज की डोरी खींच करके ध्वज फहराने का कष्ट करें, तो जब जैसे ही उन्होंने डोरी खींची वो नॉट कहीं से अट गई और खुल नहीं सकी, उन्होंने झटका दिया, उस डोरी से वो बोल्ट टूट गया, उस डोरी से वो बोल्ट टूट गया, और सामने जो खड़ा बच्चा था वो देख रहा था इस घटना को, झंडा सहित वो डंडा गिर रहा था, बच्चे ने डंडे झंडे को कैच कर लिया, झंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया और कैच करके पुनः उस बांस पर चढ़ गया। इस प्रकार से चढ़ते हैं। और अब आप नोट करें, एक बार लग के स्काउट की एज बताई जाती है वो 10 साल से 17 साल तक की बताई जाती है। 10 साल के बालक का वेट कितना होगा मिनिमम, अगर हम वेट करें तो 20 किलो से कम का नहीं होगा। तो अभी जो ऊपर का बांस का पोल बचा एक फुट के बाद का, क्या उसके वेट को वो सह सकता है? बांस की क्वालिटी को मैक्सिमम तक झुकता है, वो झुकने लगा, नीचे से एक बच्चा दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर बैठ करके एक मीनार बनाया और लास्ट उस बच्चे को अपने कंधे में बिठाया, दोनों डंडों को आपस में ज्वाइंट करके नॉट को ठीक किया, और पुनः जब सब नीचे उतर के लाइन में खड़े हुए, संभल हुए, फिर बेटन पावेल जी ने अपनी खींचा और ध्वज को फहराया। बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर, ये सारी चीजें आपको स्काउटिंग से ही मिल सकती हैं। ज्ञान, शिक्षा, किताबी ज्ञान, सभी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो ये चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे ज़्यादा हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे मैं ज्ञानेंद्र झा, सहायक सचिव उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था जनपद गोरखपुर। आज भारत स्काउट गाइड संस्था के बेसिक शिक्षा का एक कार्यशाला किया जा रहा है, इसके माध्यम से हम बेसिक शिक्षा में अभी शिक्षकों को भारत स्काउट गाइड संस्था के कार्यशाला में उसके नियमों और सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं, जिससे वो जा करके अपने विद्यालयों में बच्चों को स्काउट गाइड के नियमों का और उसके कार्यक्रमों को प्रचारित करें, जिससे हम देश में अच्छे नागरिक तैयार कर सकें। ये उद्देश्य है कि भारत स्काउट गाइड संस्था के नियमों और उद्देश्यों के अनुसार अब भारत में अच्छे नागरिक हम प्राथमिक विद्यालयों में तैयार कराएं। मेरा नाम नौशाद अली सिद्दीकी, सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट गोरखपुर मंडल और आजमगढ़ मंडल। स्काउट गाइड के नियम और प्रतिज्ञा के आधार पर बच्चों को जो उनके सिद्धांत हैं उसके आधार पर उन्हें तैयार करना है। जैसा स्काउटिंग का नियम है, पहला नियम स्काउट विश्वसनीय होता है, स्काउट वफादार होता है, स्काउट सबका मित्र एवं प्रत्येक दूसरे स्काउट का भाई होता है, स्काउट विनम्र होता है,
स्काउट अनुशासनशील होता है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करता है। स्काउट साहसी होता है, स्काउट मितव्ययी होता है, स्काउट मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है। इन सारे नियमों को बच्चों के अंदर आत्मसात करने की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे बच्चा एक सुयोग्य नागरिक बन करके अपनी सेवा के साथ साथ, अपने परिवार की सेवा के साथ साथ, समाज और देश की सेवा करने में अहम भूमिका निभाएगा। मैं जिला गाइड कैप्टन बेसिक शिक्षा परिषद प्रतिमा शुक्ला, ये एक दिवसीय उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था के तहत बेसिक शिक्षा परिषद में एक दिवसीय कार्यशाला का आज आयोजन है। और पिछले 3 सत्रों से हमारे भारत सरकार के द्वारा विभिन्न परिषदीय विद्यालयों का प्राथमिक का भी और जूनियर स्तर का भी दल पंजीकरण हो रहा है, तो इस कार्यशाला के साथ ही उस प्रमाण पत्र का वितरण भी किया जाएगा। और इस तरह की एक कार्यशाला है और इसका उद्देश्य हमारा यही है कि स्काउटिंग का मेन उद्देश्य होता है सेवा भाव, और वो सेवा भाव हमारे स्काउटिंग की प्रतिज्ञा और सिद्धांत और उसके नियमों के द्वारा आएगा, जो आज कार्यशाला में लोगों को बताया जाएगा, जिससे विद्यालय स्तर तक वो बच्चों को ले जा सकें, जिससे बच्चे एक सुयोग्य और अच्छे नागरिक के रूप में हमारे समाज में स्थापित हो सकें, जिससे हमारे समाज, देश और राष्ट्र के लिए वो एक अच्छे नागरिक के रूप में साबित हों। जयप्रकाश मद्देसिया, जिला स्काउट मास्टर, जनपद गोरखपुर। यह हमारे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निःशुल्क प्राइमरी स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्काउट गाइड की गतिविधियां को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए शासन अपने स्तर से निःशुल्क अपने विद्यालयों को दल पंजीकरण करा रही है, जिसके तहत उनका आज दल पंजीकरण का प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। और कैसे आगे बच्चों को स्काउट गाइड में तैयार करना है ताकि वे देश के लिए, समाज के लिए काम आ सकें, उसकी कार्यशाला आज यहाँ पर आयोजित है।